अच्छा वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप इतना सारा सामान देख के तो समझ गए होंगे कि मैं कहीं ना कहीं जाने की तो पैकिंग कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी, और कल की हमारी ट्रेन है और मेरे हाथ में टिकट है। कितने सारे जा रहे हैं ना हम लोग, बहुत सारे जा रहे हैं और पूरी फैमिली जा रही है। नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे, कुछ चेहरे तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आप मेरे ब्लॉग में देखते हो और कुछ चेहरे आपको नए मिलेंगे। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि वहाँ का मौसम आपको पता है कि ठंड होती है, बारिश भी होती है, और अभी जैसे जून का महीना चल रहा है तो इस टाइम पे क्या बरसात चल रही है वहाँ पे, तो उसी के हिसाब से मैं कपड़े रख रही हूँ। बाकी देखते हैं। और ये मेरा बैग है, इस बैग में मैं कपड़े रखूंगी सारे। ये काफी बड़ा बैग है, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। काफी अच्छा लगा मुझे बैग ये, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत अच्छा स्पेस है। तो क्या है, मैंने जैसे जाने के कपड़े, जैसे हम लोग कल पहन के जाएंगे और ट्रेन हमारी कुछ शाम की है। कौन सी ट्रेन है वो मैं आपको कल ही बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी। तो ये हमारे जाने के कपड़े हैं, हम तीनों के, मेरे, हनु के और मेरे हस्बैंड के, ये तीनों के कपड़े हैं। तो ये मैं अलग रख दूंगी क्योंकि बैग तो मैं एक बार पैक करके फिर दोबारा ओपन नहीं करूंगी, तो ये मैं अलग ही रख देती हूँ, कल काम आएंगे ये। ठीक है। और फिर इसमें क्या है, मैं सेक्शन वाइज रखूंगी कि हमें कल, जैसे हम कल जाएंगे, हमारा जो है ऑलमोस्ट 4 दिन का टूर है। जैसे हम कल जाएंगे फिर परसों मॉर्निंग में पहुंचेंगे, अगले दिन पहुंचेंगे, फिर हम उसी दिन चढ़ाई चालू कर देंगे भवन के लिए, फिर अगले दिन रिटर्न आएंगे और फिर वहां से वापस की ट्रेन है। तो उसी हिसाब से मैं कपड़े रखूंगी। और आप लोगों को तो पता है जैसे जैसे हम लोग भवन पे चढ़ाई करते वैसे वैसे ना ठंड बढ़ने लगती है, मतलब ठंड लगने लगती है हम लोगों को, तो बस वही है। और यहाँ पे हनु सो गया है, मैंने सोचा ये सो रहा है, जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ। और ये कपड़े वो है जो कपड़े हम आते वक्त, और मतलब वो दर्शन करके हम आ जाएंगे उसके बाद हम कपड़े पहनेंगे, तो ये वो कपड़े मैं नीचे रखूंगी क्योंकि इन कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, तो इन्हें मैं नीचे के सेक्शन में ही रख दूंगी कपड़े आराम से। और ये है, ये कपड़े वो है हमारे, जब हम सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे होटल से नहा धो के हम लोग भवन के लिए मतलब निकलेंगे, चढ़ाई करेंगे, तो ये मेरे हनु के और मेरे हस्बैंड के तीनों के कपड़े मैंने एक साथ रख दिए। कपड़े हैं तीनों के कि हम लोग वहाँ पे जब वो नहाएंगे, मतलब दर्शन करने से पहले नहाते हैं ना वहाँ पे, तो दर्शन करने से पहले नहाएंगे, तो ये वो कपड़े हम तीनों के। हनु के लिए मैंने क्या है, इनर रख लिए गर्म, क्योंकि वहां पे बरसात हो रही, तो बरसात हो तो ठंड होगी ही होगी, नाइट में तो बारिश आजकल बहुत चल रही है मैं देखती हूँ। तो मैंने उसके लिए इनर रख ली है और फुल बाजू की भी टी शर्ट रख ली है मैंने, और पजामे रख लिए इसकी, और ये मैंने इसकी बनियान रख ली पहनाने के लिए, मैं सोची जग गया कहीं। और देखो इसकी क्यूट सी, कितनी प्यारी सी बनियान है, तो ये भी रख लिया मैंने, और ये पहनाऊंगी से नहा के। ये मेरा सूट है, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, मतलब एक साथ रख दिए कि हमें ये वहां पे पहनने हैं। तो अभी मैं दूसरे बैग में नहीं रख रही, अभी वो खाली रखा है मैंने बैग, तो ये भी मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ऊपर जैसे ठंड होगी तो ठंड के टाइम मैंने एक तो ट्रैक सूट रख लिया और एक मैंने शॉल रख लिया, क्योंकि अभी स्वेटर नहीं पहना जाएगा इस टाइम पे, तो मैंने ट्रैक सूट और शॉल ही रखा है हम दोनों के लिए। और बेबी के लिए भी मैंने एक जोड़ी गर्म कपड़े रख लिए हैं, तो दर्शन के लिए निकलेंगे तो ये वाला बैग लिया मैंने, पिट्ठू बैग, तो इसी में मैं सारे कपड़े रख दूंगी जो हम पहनेंगे वहां पे भवन पे नहाने के बाद, तो इसी में मैं वो कपड़े रख दूंगी। तो ये बैग मैं इसी में रखूंगी अभी फोल्ड करके, क्योंकि अभी इसमें कपड़े नहीं रखे। और साथ ही साथ मैंने दो तो चादरें भी ली है, ये जैसे ट्रेन में अगर ठंड लगेगी तो ये चादरें हम ओढ़ लेंगे, तो ये चादर भी है, चादर मैं ऊपर ही रखूंगी क्योंकि ताकि हम लोग इजिली निकाल सके, सारे कपड़े हमें इधर उधर ना करने पड़े। तो हम उनके ना कुछ डायपर रखे हैं, क्योंकि यार वहां पे तो मैं ऐसे बिना डायपर छोड़ ही नहीं सकती, तो वहां पे मुझे डायपर ही रखने पड़ेंगे, तो मैंने ये डायपर रखे हैं हम उनके लिए, ये साइड में रख दिए मैंने डायपर। ये हनु के कपड़े हैं, ये हनु की मैंने एक टॉवल रख लिया है कॉटन की, क्योंकि वहां पे नहाएगा तो उसको पोंछने के लिए कॉटन का ही कपड़ा मैं यूज करती हूँ ज्यादातर, आ जाएगा क्योंकि काफी बहुत भी बहुत अच्छा है ये बैग, लगा मुझे काफी स्पेस है इसमें, ये बैग भी मेरे इसी में आ गया। मेरे हस्बैंड की अंडर गार्मेंट्स हैं, मैंने एक पन्नी में कर दिया, वरना बिखरे रहते हैं, ढूंढने में दिक्कत होती है, तो मैंने एक पन्नी, और कुछ मैंने ना खाली पन्नियां भी रखी है कि वहां पे कपड़े गीले होंगे तो उसे पन्नियों में रख के हम लेके आ जाएंगे।
मैंने कुछ खाली पन्नी भी रख दी है, तो ये साइड वाले कॉर्नर पे आ जाएगा मेरे। क्या एक ग्लव्स रख लिए, गरम कैप रख ली, हैंकी, और ये सॉक्स और ये जूते, क्योंकि नहलाने के बाद तो मुझे इसे पहनाने ही पड़ेंगे, ऊपर ठंड है क्योंकि, और जैसे जैसे सब ऊपर चढ़ते रहेंगे वैसे वैसे यार ठंड होती रहेगी, अब बड़ों को इतनी ठंड लगती है तो बच्चा ऐसे तो और लगेगी। और इसका वैसे तो दूसरा टूर है ये, पहले गया था ऋषिकेश और अब जा रहे हैं माँ के द्वार दर्शन करने। बस लेकिन यहाँ पे थोड़ी टेंशन है मुझे कि क्योंकि यार अभी एक आने लगा है तो इसको कैसे मैनेज करूंगी, क्या होगा, तो देखते हैं आगे चल के। और हानू के लिए मैंने ये पाउडर, ये वाइप्स, और ये इसकी पीसीएम है, अगर इसके बाय चांस इसको फीवर होता है तो उसे मैं पीसीएम दे सकती हूँ, भगवान न करे, माता रानी ना करे इसको जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी देखो रखने में कुछ नहीं जाता कि बच्चे का है। और साथ के साथ ही क्या है, मैंने कुछ मेडिसिन अपने लिए भी रखी है, जैसे गर्म पट्टी, कुछ बैंडेड, और ये है पैरासिटामोल, सर दर्द की दवाई, और पेन किलर, और बेबी के लिए मैंने ये रखी है विक्स बेबी रब, अगर वहां पे क्या नहलाने के बाद इसको ना यहाँ पे लगा दूंगी ताकि इसको ठंड ना लगे, ये तो लगाऊंगी ही लगाऊंगी बेबी को। और साथ के साथ मैंने रखी है इसमें कुछ हिंगोली, हिंगोली टेस्ट लगते हैं खाने में इसलिए हिंगोली भी रख ली मैंने। तो मैंने ना ये एक ही पाउच बना दिया और इसे मैं आगे वाले में रख दूंगी क्योंकि आगे स्पेस है, और ये सामान आगे ही है तो जरूरत पड़े तो खोलो निकाल दो। इसमें मैंने और रखा है कोलगेट, शैम्पू है, बेबी की बोतल क्लीन करने के लिए क्लींजर रख लिया पाउच, साबुन, साथ में पेपर शॉप, और ब्रश ब्रश भी रखूंगी, तो ब्रश रखना है इसमें। और तो ये मेरा मतलब छोटा छोटा सामान ना मेरा इस वाले बैग में आ जाए। अपने मेकअप के लिए भी ना थोड़ा एक पाउच बना लिया, इसी में रख दिया मैंने, ये देख लाइनर है, लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस है, कुछ क्लेचर्स हैं, काजल है, यही सब मैंने बस अपने लिए रखा है, क्रीम, क्योंकि वहां पे हम ज्यादा तो मेकअप करना नहीं है तो बस जो मेन है वही रखा है मैंने। मुझे बहुत अच्छा लगा है ये, मैं अपनी अपनी जो लोकल मार्केट से मैंने वहीं से परचेज किया ये बैग। इस बैग में क्या है, मैं जैसे कल हम जाएंगे तो ट्रेन के लिए या बार बार बैग में से कपड़े निकालो बेबी के तो दिक्कत होती है, तो इसमें एक जोड़ी कपड़े मैंने इसमें रखे हैं, मतलब एक जोड़ी कपड़े इसमें मैंने रख दिए, साथ के साथ वाइप्स और पाउडर ये भी मैं इसी बैग में रखूंगी। इसमें क्या है, मैं दूध लेके जाऊंगी कल तो दूध भी मैं इसी में रखूंगी, मतलब बेबी के खाने पीने का सामान मैं इसी बैग में रखूंगी ताकि मुझे ये बड़ा वाला बैग खोलना ना पड़े, अपना छोटा बैग खोला निकाला बेबी को दे दिया। और ये अपना मेकअप का भी बॉक्स इसी में रखूंगी, और ये मेरे पैसों का है जो इसमें मेन तो यही हमारा, अगर ये खो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ये भी इसी में आएगा। ये कप मैं रख रही हूँ अगर बाय चांस कभी जरूरत पड़ने लगे, क्योंकि इसमें क्या है कुछ छानना पड़े बेबी के लिए, दूध वगैरह छान के दूंगी इसमें ठंडा भी हो जाएगा तो इसमें छलनी का काम करेगा ये देखो, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये मेरा है ट्रैवलिंग पिलो, तो इसे मैं कल लगाऊंगी, ये तो इसी में आ जाएगा। बाकी मैंने खाने के में जो है एक ये लिया है सीएनसी, एक मैंने आलू भुजिया, मेरे इस वाले बैग में आ जाएगा क्योंकि इस बैग में स्पेस है, तो ये मेरे इसी बैग में आएगा, ये खाया और निकाला। ये टिकट है, टिकट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टिकट के बिना तो हम जा भी नहीं पाएंगे, तो ये टिकट है, टिकट भी मैंने इसमें आगे रख दी। बाकी तेल फॉर्म सब जो है सब मैंने रख लिया, ये मेरा फॉर्म है ये भी रख लिया मैंने, जैसे ही वहां पे क्या है मान लो हम नाइट में हम लोग इवनिंग में वहां पे चढ़ाई चालू करेंगे, मतलब परसों इवनिंग में, संडे के इवनिंग में, तो
तो वहां पे क्या है, जैसे हम लोग कुछ लोग घोड़े पे जाएंगे, कुछ लोग पैदल यात्रा करेंगे, तो उनको मैं ये पन्निया दे दूंगी कि वहां पे वो बिछा के आराम से हमारा वेट करें और हम लोग भी जाएं। अगर भीड़ हुई तो हम थोड़ा वेट करके ही दर्शन करेंगे, आराम से लेट सकते हैं और बैठ सकते हैं, कुछ खा सकते हैं इससे बैठ के। तो इसलिए मैंने एक पन्नी रख ली, क्योंकि न्यूज़पेपर मैंने नहीं रखा। न्यूज़पेपर पता है क्या होता है यार, बहुत भारी बैग हो जाएगा, कंधे पे टांगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने ये पन्नी रख ली। काफी बड़ी पन्नी है, स्पेस काफी अच्छा, काफी बड़ी पन्नी है ये। तो मैंने, मेरा बैग हो गया पैक, तो मेरा आज का ब्लॉग है पैकिंग का ब्लॉग। मेरी पैकिंग भी हो गई और मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया मैंने क्या क्या रखा इसमें। मैं क्रीम पाउडर, तेल, कंघा, गर्म कपड़े, ठंड के कपड़े और चप्पल। चप्पल तो मैं ही पहन के जाने वाली हूँ, क्योंकि चढ़ाई के वक्त मैं जूते नहीं पहनती, मैं नंगे पैर ही चढ़ाई करती हूँ। शुरू से ही नंगे पैर करती हूँ, तो मैं नंगे पैर ही चढ़ाई करूंगी और बाकी देखते हैं। और बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। और मैं आपको घर बैठे ही माता रानी के दर्शन कराऊंगी, ठीक है? तो आने वाले ब्लॉग मेरे बहुत अच्छे होने वाले हैं, माँ वैष्णो देवी के नाम के। तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।